तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है और एक और नए वीडियो में। ये देखो गंदा बच्चा। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपने ही बड़मल बड़का गांव के एरिया में है, एक बरसो पानी लोकेशन है, ठीक है। आप सर्च करके देख सकते हो बरसो पानी, जो कि बड़का गांव के लोकेशन में पड़ता है। तो आज का लाइनअप आप देख सकते हो, हमारी वाइट वुल्फ, इधर ब्लू बीस्ट, और ये नशेड़ी का गाड़ी है RC 200। एकदम फर्स्ट ब्लॉग में आप इसको देख सकते हो, जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। भले ख़राब ब्लॉग बना था, लेकिन उसी में ये हाजिरी दे चुका है, ठीक है। साधु शरण, इसको साधु नाम है, ठीक है। साधु जी देखा चेहरा कल एक आदमी को ठोक के उड़ा दिया है। नहीं नहीं, तो पीयूष भाई हमेशा की तरह, एंड आज का लाइनअप देख ही लो आप। एंड प्रियांश भाई हैं, एंड इधर मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पिलियन के रूप में चलेगा। ये अपने RC 200 में पिलियन में बैठेगा, पीयूष अशोक उनका RC चलाएंगे, एंड ब्लू बीस्ट अकेले चलेगी भाई। ब्लू बीस्ट अकेले दौड़ेगी, घोड़े में अकेले ही सवारी होती है, घोड़े का लोगो बना है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। आप लोगों को लग रहा हो कि मेरा आवाज़ थोड़ा चेंज है, क्योंकि रामनवमी में कुछ ज़्यादा ही नारा लगा के अपना गला ख़राब कर चुका हूँ। तो गाइस, वीडियो में बने रहना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, फ्यूलअप करवाएंगे ढेंगा में अभी, तो उधर पर जाके फ्यूलअप करवाते हैं। चलो ठीक है, वैसे देखते हैं पब्लिक रिएक्शन इधर मिलता है या नहीं मिलता है, सो देख लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड्स का नया यहाँ पे मॉल खुला है भाई, इसको भी ठीक कर लूँगा आगे फ्यूल पंप पे। एंड चलो काफ़ी ज़्यादा इधर ट्रैफिक है भाई, एंड मेरे को लग रहा है ट्रैफिक में फंसेंगे हम लोग। घर पे तो सब मेरे को जानते हैं भाई, घर ही अपना है तो एवरीवन नोज बाय माय बाइक, बाय माय वाइट वुल्फ। थोड़ा सा आवाज़ मेरा दबा दबा मिल सकता है, मतलब हो सके कहीं कहीं मेरा आवाज़ क्लियर आपको पता भी ना चले, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, बहुत गंदे वाला गला बैठा हुआ है। तो अभी इधर से हम लोग फिलहाल शॉर्टकट लेंगे, इधर से थोड़ा रोड बाईपास हो जाता है, मतलब इधर से सीधा थाने की ओर निकलेगा। मेरा आवाज तो ऐसा हो रखा है कि मत पूछो। तो गाइस, धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा, और फिर और मैं डेनिम पहन रखा हूँ भाई, अभी सटाता ये। तो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से, फिलहाल फ्यूल अप करवा के। ब्लू बीस्ट उड़ रहा है भाई, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ एक सेकेंड। ओ भाई, क्या फ्लाई बाय था ये भाई, क्या फ्लाई बाय था ये। तो गाइस, वीडियो में बने रहना, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि अनवांटेड पार्ट्स को मैं ट्रिम कर दूँ, ठीक है। मेरा आवाज़ तक नहीं निकल रहा, मेरा गला बैठा है जो। तो गाइस, हमें जाना है बरसो पानी, ठीक है। तो मैं इधर से दिखला सकता हूँ कितना दूर है। यार इसको क्या हो रखा है, सुसु करते हुए बकरी आगे बढ़ी। उधर जो माउंटेन दिख रहा है ना, तो मैं आगे दिखाता हूँ, देखो सामने जो माउंटेन दिख रहा है उधर पे हम लोग को जाना है,
उधर पे है बरसों पानी। यहाँ से व्यू देखो गाइस आगे माउंटेन का, क्या सही व्यू आ रहा है, एकदम परफेक्ट। इधर पे सैंड वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ से निकाल कर एक्सट्रैक्ट करके जो भी होता है। रिएक्शन देखो गाइस, रिएक्शन चेक आउट करो गाइस। ये ना वहाँ पे ताली बजाने से पानी गिरता है, मतलब पानी गिरता है ठीक है, बूंद बूंद टाइप का, वैसा नहीं कि हाँ भाई एकदम भीग जाओ, वैसा नहीं, मतलब जोर से बजाए तो वैसा भी हो सकता है आई थिंक, लेकिन इतनी भाई इतनी किसी के हाथों में जान नहीं है कि कोई इतना ज़ोर से बजाए कि भीग जाए सब, ठीक है। इधर देखो यार क्या मस्त व्यू आ रहा है एकदम, और जो पहाड़ का जो लग रहा है यार, आगे से धूप आ रहा है, पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, बट क्या सही व्यू आ रहा है। इधर पे ईंटों का भट्टा है देख सकते हो, ये चिमनी वाले भट्टे हैं, ये चिमनी के द्वारा इसमें ईंटें पकाए जाते हैं, ठोस किया जाता है उसको पका के, तो उसमें अच्छी मजबूती होती है नॉर्मल वालों से, एंड ये कॉस्टली भी होता है थोड़ा, पर मैं ईटों का ध्यान देते हुए यार सब बोलेंगे कमेंट में भाई तू ब्लॉगर है भाई मोटो ब्लॉगर है, बाइक की नॉलेज रख ईटों की नहीं। आप भी देखना रोड सही है बट बीच बीच में कहीं कहीं डैमेजेस है, एंड जो व्यू आ रहा है उधर देखो यार क्या मस्त व्यू आ रहा है। तो अपन आराम से राइड करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे अपन चलेंगे राइड में। विंडशील्ड लगा लेता हूँ मैं ताकि मेरी आवाज़ क्लियर आए, बस सफ़र का मज़ा लो, राइड का मज़ा लो, क्योंकि इधर पे नेचर आपको देखने मिलेंगे ठीक है, नेचर आपको देखने मिलेंगे, क्योंकि इधर पे मतलब रोड सही है या नहीं, लेकिन पूरा ऐसा मतलब इधर का ये पूरा एरिया क्लियर है यार, कोई ऐसा मतलब पॉल्यूशन वगैरह नहीं। यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है बेसिकली, खेलते हैं यहाँ पे लड़के लोग फुटबॉल, बट गर्मी के टाइम में भाई कौन रहेगा, एंड ज़्यादा दूर नहीं है अभी हम अपने डेस्टिनेशन से ठीक है। और इधर देखो नए नए वो लीव्स वगैरह, तो क्या सही लग रहा है, तो देखो भाई जानवरों में यहाँ तमीज है यार, हॉर्न सुनते ही साइड हो जाते हैं, बाकी जगह तो सब ऐसो ये क्या बोलते हैं हॉर्न देते रहो साइड ही नहीं होते बंदे। एंड इधर से थोड़ा रोड खराब मिल सकता है, तो इधर ही पे रोड खराब था, पता नहीं रोड बन गया या फिर नहीं बना, आई डोंट नो, इनका टायर गया भाई। भाई इधर लगता है पूरा रोड बना दिया गया भाई, पहले ऐसा रोड नहीं था, मतलब ये लोग भी वो सोच रहे होंगे यार ठंड के टाइम आया जाता है इधर पे, बेसिकली ठंड के टाइम सब आते हैं, लेकिन हम लोग गर्मी के टाइम आ रहे हैं जब भी वहाँ पे नदी वगैरह सारा सूख चुका होगा।
खुलवा गए ना। अरे अरे प्रियांश, अबे यार प्रियांश को देख रहे जगह मैं लपेटा जाता अभी। भाई काफ़ी ज़्यादा अंदर अंधेरा टाइप का है। तो बेसिकली बाइक हमारी यहीं तक आएगी। हे क्या नज़े में थे, क्या नज़े में थे वहाँ पे, हम देखे साइड मिरर में दोनों चेकअपिट कर गया वहाँ। तो गाइस फाइनली हम बरसों पानी पहुंच चुके हैं, देख सकते हो यार। मतलब हम लोग हमेशा आए, जब भी आए ना, मतलब 3 साल पहले मैं आया था लास्ट टाइम, तो उस टाइम भी मैं समर के टाइम आया था, गर्मी के टाइम आया था, अभी भी गर्मी है ठीक है। तो कभी अगर हो सके तो ठंड के टाइम आएंगे, क्योंकि इधर पे पूरा पानी वगैरह रहता है अच्छा, वहाँ पे क्लैप करने से वो रेनफॉल होता है ठीक है। यस सर, इधर पे होता है पूजा। को बोलते बरसा पानी भाई, देख लो गाइस यहाँ पे मतलब क्लैप करने से ना वाटर फॉल होता है। ए जाओ एक जन जो कैमरा वर नहीं लगाया, जाओ उधर आगे क्लैप करो। ये क्वालिटी खराब हो रहा था। हाँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये चट्टान है ठीक है। यहाँ पे लोगों का कहना है कि ताली बजाने से यहाँ पे क्लैप करने से यहाँ पे पानी गिरता है ठीक है, समझ में आया। और ऐसा और ऐसा नहीं है, आप लोगों से पूछ सकते हैं यहाँ पे जो रहते हैं ठीक है, जो जो यहाँ पे विजिट किए उनसे भी आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्लैप करने में सच में उधर पे पानी गिरता है, मतलब जैसा बारिश टाइप का होता है हल्का हल्का ठीक है। तो अभी हम लोग का हाथ में उतना जान पे रिकॉर्ड कर, तो ऐसे हम लोग का हाथ में भी इतना दम नहीं है कि हम लोग एक पहाड़ को कंपन से उसको वाइब्रेट करके पानी से धक, इतना हम लोग का हाथ में भी ताकत नहीं है भाई, हाथ में चोट लगता है बहुत। एक तो ग्लव्स वगैरह पहने नहीं कि हाँ बजाए। तो गाइस देख ही सकते हो यार यहाँ का व्यू ठीक है, चारों तरफ से इधर पे बहुत अंदर आ गए। अगर आपको विजिट करना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नवंबर दिसंबर के टाइम आइए, जनवरी के टाइम आइए, बहुत सही है पिकनिक स्पॉट और टूरिस्ट प्लेस भी है। 2 महीने लेट आए हैं, 3 महीना। अरे तो गर्मी आ गया ना, आइए ना यहाँ पे, जब ग्रुप में रहेगा तब ताले बजिएगा आके ठीक है। देख लो गाइस पीयूष एक्सपोज्ड कंटेंट क्रिएटर जैसा सोचता है। तो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम में मैं हमेशा सो चैनल के अपडेट्स और रील्स वगैरह, मतलब चैनल के अपडेट्स तुरंत मिलते हैं, एंड जितना भी रील्स वगैरह है सब वहाँ पे मिल जाता है ठीक है। मतलब रील्स वगैरह जो हम बनाते हैं जो भी, तो वो इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे क्या। चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब के लिए अलविदा।